आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, जो सुनकर ऐसा लगता है कि क्या वाकई ये दिल्ली में ही हुआ है। चाकूबाजी की एक के बाद एक कई घटनाएं पिछले 2 से 3 महीने में बहुत ज्यादा सुनने को मिली हैं। साथ ही साथ दिल्ली का कंझावला केस, जिसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर एक 20 साल की लड़की को इतना घसीटा गया, कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे कि उसकी जान तक चली गई। दिल्ली की ये घटनाएं हैरान करती हैं, परेशान करती हैं, इसीलिए दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठता है। दिल्ली पुलिस से कई बार दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पूछा जाता है कि अगर दिल्ली का हाल ये है, अगर देश की राजधानी का हाल ये है, तो फिर बाकी जिलों का क्या होगा या फिर बाकी जगहों का क्या होगा। कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा देती हूं। ये घटना जो है दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की है, जहां पर एक मनी ट्रांसफर करने की दुकान चलाता था शख्स और रात में अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। ये आप देखेंगे 16 तारीख यानी 16 जनवरी 2023 की घटना है। 11:07 हो गए हैं, दुकान बढ़ाने का वक्त इस शख्स का है। देखिए बैग यहाँ पर हैंग किया हुआ है, इस बैग में वो अपना मोबाइल रखता है, दिन भर की जो कमाई होगी वो भी इस बैग में ही रखी होगी। वो दुकान बढ़ा रहा है, अपना काउंटर अंदर की तरफ वो धकेलता है। ये एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि उसने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ था कि क्या कुछ उसके ज़रिए इस दुकान में सर्विसेज दी जाती है। अब वो आगे बढ़ेगा, अपना ये बोर्ड वो अंदर की तरफ रखता है और ये शटर डाउन करने का अब वक्त आ गया है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं या यहाँ आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अचानक से ये दो लोग आते हैं हेलमेट लगाए हुआ, देखिए झटक कर बैग उठाते हैं और फिर बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। ये शख्स पीछे भागने की कोशिश भी करता है, आसपास के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। दौड़कर फिर अपनी दुकान की तरफ आता है कि कहीं और कोई सामान चोरी ना हो जाए, फिर इधर की तरफ भागता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई इस घटना के बाद अब देखिए बैठकर ये शख्स रोने लगता है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिएगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं शास्त्री पार्क इलाके की। रात में 11:07 का वक्त है, आप समझिए कि अपराधी कितने ज़्यादा बेखौफ हो चुके हैं। CCTV में तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि जो दोनों लोग थे जो बाइक पर आए बदमाश, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, इसीलिए पुलिस को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये शख्स दुकानदार जो है दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, अपना सामान अंदर रख रहा है। कुछ बाइक यहां से गुजर रही है, कुछ पैदल लोग भी यहां से गुजर रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक से दो बाइक सवार बदमाश यहां पर पहुंचेंगे और ये लूट की वारदात को अंजाम देंगे। ये बैग ध्यान से देखिएगा, इसी बैग को लूटा जाएगा। दो लोग आते हैं बाइक पर सवार और हेलमेट पहना हुआ है, यहां आते हैं दोनों और बाइक लिए और फिर यहाँ से भाग गए, बैग लिया और यहाँ से भाग गए। एक बाइक रुकती है, दो लोग आते हैं, इसका मतलब मुझे लगता है दो बाइक पर सवार ये बदमाश होंगे। ये शख्स इधर भागता है उनके पीछे, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ वो हार कर ये समझ करके उसका बैग चोरी हो चुका है, दिन भर की कमाई जा चुकी है, मोबाइल जा चुका है, ये शख्स रोने लगता है। आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिल्ली के लोगों को कर रही हैं। अब एक और घटना आपको दिखाऊंगी, दिल्ली में शक्ति नगर रूप नगर इलाके की ये घटना है। यहाँ पर भी कुछ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रात का वक्त है, बाइक सवार कैसे यहाँ पर आते हैं और कैसे लूट की घटना को अंजाम देते हैं। आप देखिए दो बाइक पर ये बदमाश आए, उस शख्स को रोका गया और फिर यहाँ पर लूट की घटना से उसे धमकाया गया, उस पर हमला किया गया। इससे पहले कि शख्स कुछ समझ पाता, उसके साथ लूट की ये घटना हो चुकी थी। आसपास से हालांकि कुछ और गाड़ियां भी गुजर रही हैं, लेकिन ये शख्स समझ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश थे उनके हाथ में बंदूक थी और जो पीड़ित शख्स है उसके पैर में गोली मारी गई, पैर में गोली मारी जिससे कि वो बिल्कुल निढाल हो गया। आप देखिए उसके पैर में गोली मारी और उसे मारा पीटा जा रहा है। और यहीं पर शक्ति नगर रूपनगर इलाके में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ और लोग भी हैं, इससे पहले कि कोई लोग कुछ समझ पाते, यहाँ रुक पाते या मदद कर पाते, ये बदमाश यहाँ से फरार हो गए। दो बाइक पर सवार ये बदमाश आए थे, जो सड़क चलते जहाँ पर बहुत सा ट्रैफिक गुजर रहा है वहीं पर पैर में गोली मारते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालाँकि यहाँ पर भी हेलमेट पहना हुआ है, रात के वक्त की ये तस्वीरें हैं। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो लगभग अधमरा हो चुका है शख्स, उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस तरह के केसेस को सुलझाने की बात करती है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि दिल्ली की सड़कों पर अगर लोग जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर घर से बाहर वो निकल रहे हैं तो सेफ सिक्योर घर पर वापस लौटेंगे क्या।
कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठना देश की राजधानी के लिहाज से भी ठीक नहीं है, देश के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और ये देखिए, ये शख्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे उसे जख्मी कर दिया गया, उसके पैर में गोली मारी गई, उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, वो शख्स चलने फिरने के काबिल नहीं रहा और वहीं सड़क पर रहकर वो मदद के लिए पुकारता रहा, चीखता रहा। इस तरह की तस्वीरें देखकर वाकई खौफ पैदा होता है, क्योंकि ये जो दो घटनाएं मैंने आपको दिखाई सीसीटीवी फुटेज, ये दो घटनाएं पुरुषों के साथ हुई हैं, आदमियों के साथ हुई हैं, लूटपाट की घटनाएं हैं। आप समझिए कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो महिलाएं भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई है, कंझावला केस हम सबके सामने है, जो कि अभी तक भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। ऐसे केसेस डराते हैं, दिल्ली पुलिस को पहले से ज़्यादा सावधान और सचेत होना चाहिए।